नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जीवन जीने की कला में। दोस्तों, हमारे शरीर को प्रोटीन की अच्छी मात्रा में आवश्यकता होती है और इसकी आपूर्ति बहुत ज़रूरी है, अन्यथा आप सभी जानते हैं कि हमारा शरीर कार्य करने लायक भी नहीं बचेगा। जी हाँ, तो प्रोटीन कौन कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनका सेवन करेंगे तो हमारी बॉडी को पूर्ण रूप से मिल जाएगा और वो हमें सेवन अवश्य करना चाहिए। हर रोज़ इनमें से कोई एक चीज़ अवश्य अपने भोजन में शामिल करें ताकि आपको भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिले। तो चलिए, आज के इस एपिसोड के माध्यम से हम आंकड़ों के सहित आपको बताते हैं कि कौन सी चीज़ का सेवन करते हैं तो आपको कितनी मात्रा में प्रोटीन मिलता है और प्रोटीन की मात्रा आपके शरीर के लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है अगर जीवन भर स्वस्थ रहना है, बीमारियों से दूर रहना है। तो आज का एपिसोड इसी बात पर आधारित है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि ऐसी अन्य नई जानकारी जब भी हम लेकर के आएं नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। आइए अब सबसे पहले जानते हैं प्रोटीन की मात्रा चीज में कितनी होती है। चीज का सेवन अवश्य करना चाहिए, सिक्स पैक्स में फायदेमंद है, ये दांतों को मजबूत बनाता है। प्रोटीन की मात्रा इसके 100 ग्राम में 32 ग्राम होती है, यानी कि 100 ग्राम अगर आप चीज खाते हैं तो समझिए 32 ग्राम आपको उसमें से प्रोटीन मिल जाना है। इसके अलावा तिल, जी हाँ, तिल भी एक अच्छा स्रोत है प्रोटीन का। रंग गोरा होता है इससे और स्मार्टनेस आपकी बढ़ती है, याददाश्त भी आपकी बढ़ती है। इसमें प्रोटीन की मात्रा 100 ग्राम में 26 ग्राम होती है, यानी कि 26 ग्राम। इसके अलावा मूंगफली में, जी हाँ, मूंगफली में भी अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। ये हार्ट अटैक से बचाती है, स्ट्रॉन्ग बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद होती है। इसके 100 ग्राम में 24 ग्राम की मात्रा होती है प्रोटीन की, यानी कि अगर आप 100 ग्राम खाते हैं मूंगफली तो उसमें से आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिल जाना है। इसके अलावा राजमा, जी हाँ, मेमोरी तेज होती है इससे और गंजेपन से बचाव होता है। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो वो झड़ने बंद हो जाते हैं और आपकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। प्रोटीन की इसके 100 ग्राम में 24 ग्राम की मात्रा होती है, यानी कि 100 ग्राम राजमा खाते हैं तो उसमें से आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। इसके अलावा चने की दाल, जी हाँ, इससे डाइजेशन आपका ठीक रहता है और लुक्स में आपके निखार आता है। इसके 100 ग्राम में 25 ग्राम मात्रा होती है प्रोटीन की, यानी कि 100 ग्राम जब आप चने की दाल खाते हैं तो उसमें 25 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाता है। इसके अलावा चेहरे का ग्लो बढ़ाता है, एनर्जी मिलती है किससे, काबुली चने से। जी हाँ, इसमें भी प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है, 100 ग्राम में 19 ग्राम इसमें प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा सोयाबीन, जी हाँ, फर्टिलिटी बढ़ती है, कमजोरी दूर होती है अगर आप सोयाबीन का सेवन करते हैं तो इसके 100 ग्राम मात्रा में 39 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाती है, इसलिए बहुत ही अच्छी औषधि है ये भी आपके लिए सोयाबीन। इसके अलावा प्रोटीन से भरपूर है मूंग की दाल, जी हाँ, इससे बालों का झड़ना रुकता है और स्टेमिना आपकी बढ़ती है। इसके 100 ग्राम में 24 ग्राम मात्रा होती है प्रोटीन की, तो आप चाहते हैं कि अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की जो मात्रा है वो सही रहे तो आपके लिए ये सबसे अच्छा उपयोग है। इसको अपना करके आप सभी प्रोटीन की मात्रा को संतुलित रख सकते हैं अपने शरीर में। ये आज का एपिसोड रहा आपके लिए, कैसा लगा ये एपिसोड आप सभी अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। साथ ही साथ आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं या आपकी कोई समस्या या उलझन है तो आप सभी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उन सवालों के भी जवाब आपको ज़रूर दें, हम आपके क्वेश्चंस पढ़ते हैं और उन पर वीडियोज अवश्य ही बनाते हैं। तो ये आज का एपिसोड रहा आप सभी के लिए, अब मिलते हैं आप सभी से अगले एपिसोड में नई जानकारी के साथ। लेकिन जाने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी अन्य नई जानकारी जब भी आएगी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। साथ ही साथ आप सभी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स अवश्य करें ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। इसके बाद मिलते हैं आप सभी से नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।